मणिपुर में पिछले 3 महीने से ज्यादा से चल रही जातीय हिंसा के बीच राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच जमीनी स्तर पर हो रहे मतभेद और तनाव खुलकर सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ ड्यूटी में बाधा डालने, चोट पहुंचाने की धमकी देने और गलत तरीके से रोकने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। असम राइफल्स की 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ये FIR बिष्णुपुर जिले के फाउगाकचाओ इकाई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस FIR में मणिपुर पुलिस ने कहा है कि 5 अगस्त को सुबह 6:30 बजे जब राज्य पुलिस की टीमें क्वाक्ता वार्ड नंबर 8 के पास फोलजांग रोड के इलाके में कथित कुकी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाने के लिए पहुंची तो 9 असम राइफल्स के सैनिकों ने उन्हें उनका काम करने से रोका और कथित कुकी उग्रवादियों को सुरक्षित इलाके में भागने का मौका दिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जवानों के बीच तीखी बहस होते देखी जा सकती है। साथ ही मणिपुर पुलिस के एक जवान को असम राइफल्स पर हथियारबंद अपराधियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है। तुम लोग मिला हुआ है, इसके मतलब ये ऐसा पहला वाक्या नहीं था जब मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच होती तकरार साफ तौर पर देखी गई। 2 जून को भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि असम राइफल्स की 37वीं बटालियन के कर्मियों ने सुगनू पुलिस स्टेशन के मेन गेट के सामने एक बख्तरबंद कैस्पर गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक दिया था। इस वीडियो में भी मणिपुर पुलिस के जवानों को असम राइफल्स के सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस करते देखा जा सकता है। जुलाई के महीने में जब हम सुगनू पुलिस स्टेशन गए तो वहां तैनात मणिपुर पुलिस के कर्मियों ने नाम न छापने की शर्त पर हमें बताया था कि उन्होंने असम राइफल्स की 37वीं बटालियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि असम राइफल्स का इरादा पुलिस स्टेशन पर हमला करने का था। असम राइफल्स एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो मुख्य रूप से भारत म्यांमार सीमा पर तैनात है। असम राइफल्स भारतीय सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत काम करता है। असम राइफल्स की भूमिका पर उठते सवालों का भारतीय सेना ने खंडन किया है। भारतीय सेना का कहना है कि जमीनी हालात की जटिल प्रकृति की वजह से विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच सामरिक स्तर पर कभी कभी मतभेद हो जाते हैं जिनका निपटारा संयुक्त तंत्र के जरिए तुरंत कर लिया जाता है। बिष्णुपुर जिले में हुई हालिया घटना के बारे में सेना का कहना है कि असम राइफल्स हिंसा रोकने के लिए कुकी और मेतेई क्षेत्रों के बीच बनाए गए बफर जोन को बनाए रखने के लिए यूनिफाइड हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए काम को अंजाम दे रही थी। ताजा घटनाक्रम में मणिपुर के 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कहा गया है कि असम राइफल्स की 9वीं, 22वीं और 37वीं बटालियनों को राज्य से हटाकर किसी और विश्वसनीय केंद्रीय सुरक्षा बल को मणिपुर में तैनात किया जाए। इससे पहले 7 अगस्त को मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे एक ज्ञापन में कहा था कि राज्य में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका की काफी आलोचना हो रही है और सार्वजनिक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस ज्ञापन में कहा गया था कि असम राइफल्स निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रही और जनता ये आरोप लगा रही है कि उनकी भूमिका पक्षपातपूर्ण है जिसमें वो एक समुदाय का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि असम राइफल्स को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही ये आश्वासन भी दिया है कि सेना और असम राइफल्स हिंसा को बढ़ावा देने वाली किसी भी कोशिश को रोकने के लिए अपने कार्यों में दृढ़ बने रहेंगे।